ये है दिल्ली दर्पण। निजीकरण बंद करो, मुख्य मांगे हमारी यही है। एक निजीकरण जो हर एक माँ को निजीकरण किया जा रहा है, उसकी हमारी मांग है। भारत माता की नई दिल्ली के नारायणा में डाक विभाग के कर्मचारियों ने निजीकरण के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। डाक विभाग के सामने एकत्रित कर्मचारी अपनी मांग को लेकर पहुंचे। भारतीय डाक कर्मचारी महासंघ का कहना है कि वो ये धरना अपनी 6 प्रमुख मांगों को लेकर कर रहे हैं, जिसमें नई पेंशन को समाप्त करके पुरानी पेंशन को लागू करना, पोस्टमैन को डाक वितरण के लिए मोटरसाइकिल का भत्ता देना और ऐसी ही कई मांगे इसमें शामिल है। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने मीडिया से बातचीत भी की और अपनी मांगे सामने रखी। आज हमारा जो प्रदर्शन है वो हमारी मुख्य मांगे, जो हमारा 2004 का जो हमारी पेंशन ने बंद कर रखी है, मेन मुद्दा हमारा वही है कि नई पेंशन जो इन्होंने पुरानी पेंशन इन्होंने बंद की है वो फिर से लागू की जाए। आउटसोर्स जो हमारे पास ODP भर्ती हुए हैं, वो जो हमारे पास 10-10 साल से जो बंदे काम कर रहे हैं, अब वो कहाँ जाएंगे? ठेकेदारी पर था, हम कह रहे हैं कि बंद करो, निजीकरण बंद करो, हर चीज़ को प्राइवेट करने जा रहे हैं। इसलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अपील करते हैं कि जो हमारे पोस्ट ऑफिस में जो आउटसोर्स से काम करते हैं, कृपया करके उनको पक्का करें और निजीकरण बंद करो। मुख्य मांगे हमारी यही हैं। हमारी 6 मांगे इस बैनर में दिखाई दे रही हैं, जो कि आपने दिखाया सबसे पहले, और उसमें सबसे बड़ी मांग जो हमारी 2004 की पेंशन स्कीम बंद की है इन्होंने, उसको लागू करवाने के लिए। जब एक स्टेट गवर्नमेंट पेंशन दे सकती है तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, जबकि पैसा सेंट्रल ही स्टेट को देता है, तो हम सेंटर से ये मांग करते हैं कि हमारे कर्मचारियों को जल्दी से जल्द पेंशन लागू की जाए, जिससे कि सभी कर्मचारी इसका लाभ उठा सकें। हमारी समस्या एक ठेकेदारी प्रथा को इसको बंद कराने की समस्या, एक निजीकरण जो हर विभाग को निजीकरण किया जा रहा है, उसकी हमारी जो ये मांग है। एक IPP बैंक की हमारी समस्या, उनको मर्द करी है, तो ये प्राइवेटकरण तो अपने आप ही करे। इसलिए हमने जो रोड पर उतरना पड़ा, ये रात्रिकालीन धरना करना पड़ा। अब इस विरोध में अगर सरकार अब भी आंखें खोल कर सरकार ने जो है भारतीय मजदूर संघ की मांगों को जो पूरा नहीं किया, तो 17 नवंबर से हमारे पूरे ऑल इंडिया की जंतर मंतर पर एक महारैली का आयोजन किया जा रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि अगर उनकी मांगों की तरफ तुरंत ध्यान नहीं दिया गया तो 17 नवंबर को जंतर मंतर पर समस्त देश भर के डाक कर्मचारी विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। साथ ही उन्होंने सरकार से अपील की कि वो निजीकरण व्यवस्था को सबसे पहले बंद करे, ताकि सालों से काम कर रहे कर्मचारियों को उनकी सेवा का उचित लाभ प्राप्त हो सके। दिल्ली दर्पण TV के लिए द्वारका से मारिदास की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर